ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा अच्छा रखे, बस हमारी यही दुआ है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करें, उससे पहले एक मैं बात कह देना चाहता हूँ कि अगर वर्तमान में जीवन में कोई तकलीफ़, तनाव, डिप्रेशन या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जैसे फैमिली लाइफ कई बार डिस्टर्ब है, कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फ़ीस लागू है। आपको जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना अनिवार्य है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हज़ारों साल पुराने रहस्य की, जो रहस्य मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और ये जानने के बाद जो आपकी परेशानियाँ हैं, कई सारी परेशानियाँ हैं, कई सारी तकलीफें जो हैं, उनका समाधान आपको मिल सकता है। कई सारे जातकों को इस उपाय को, इस रहस्य को जानने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इसे करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपको भी बहुत बहुत हद तक फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले, और जिससे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप अगर नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, और हाँ, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें। सबसे पहले और मुद्दे की बात करते हैं कि हज़ारों साल पुराना रहस्य, जब आप गीता का अध्ययन करेंगे, आप शिव पुराण का अध्ययन करेंगे, आप रामायण का अध्ययन करेंगे, इन सभी ग्रंथों में एक सबसे महत्वपूर्ण रहस्यात्मक बात कही गई है, और वो जो बात कही है वो है जप। जप को आपको समझना होगा कि ये दरअसल है क्या चीज़। जप कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह की विधि विधान से करना है, कुछ भी नहीं। एक काम, मुझ जैसा, आप जैसा एक इंसान इसको फॉलो करके ये चीज़ें कर सकता है। इसको करने का सबसे आसान तरीका है, आप कोई एक मंत्र लें, आपका जो मंत्र हो, जो इच्छा हो, मैं आपको इसमें फुल फ्रीडम है, भगवान का कोई भी एक नाम ले, चाहे ओम नमः शिवाय ले, श्री गणेशाय नमः ले, या आप जय शिव शंभु हर हर महादेव ले, कोई भी मंत्र एक ले लें और उसका कंटिन्यू जाप करना शुरू करें। जाप के दरमियान आपका मन नहीं लगेगा जप करने का। दूसरा है, आप को कई बार हम नेगेटिव वे में चले जाते हैं, नेगेटिव वे में कि कुछ नहीं होगा और मन भटक जाता है, तो ये सभी चीज़ों को रोकना है। इस दरमियान हमें केवल और केवल हमारे जप पर पूरा फोकस करना है। जैसे जैसे आप जप पर पूरा फोकस होते जाएगा, आपको मन में स्थिरता आएगी। जैसे स्थिरता आएगी, आपको स्वतः ही बहुत सारी चीज़ें जो जीवन में डिस्टर्ब हैं, उनके सॉल्यूशन समझ आएंगे, आपको क्या करना है ये खुद ही आपको समझ आने लग जाएगा। ये मेरा निजी अनुभव है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।